प्यारे बच्चों, कल हमने कक्षा 8 का संस्कृत का जो छठा पार्ट है उसका एक पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें ये आपको बताया गया था कि भाई कैसे जो है वो ये चाहते हैं, राकेश ये चाहता है कि अगर बच्ची का जन्म होने वाला हो तो अपन उस बच्ची को जन्म ना लेने दें, ठीक है ना। तो अब शाम को शालिनी से क्या बात होती है वो आ रही है यहाँ पर। तो संध्या काले भ्राता अगच्छति हस्ता पादादिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीर्घं दीपं प्रज्वलति भवानीं स्तुतिं चापि करोति तदनन्तरं चाय पानार्थकं सर्वे अपि एकत्रिता। तो शाम को भाई आता है, हाथ पैर धोकर के मंदिर में जाता है और जो है देवी की आरती करता है, दीप जलाता है, है ना। और उसके बाद में सब लोग चाय वाय पीने के लिए इकट्ठे होते। तो राकेश होता है, माले तुम चिकित्सका प्रतिम गतवती आसी किम अकथयत सा, तो क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या बोला। तो माला मौनमेवाश्रयती, माला चुपी रहती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, तभी 3 साल की बच्ची जो है अंबिका वहाँ आ जाती है। तस्मात चाकलेहम च याचते, और वो चॉकलेट मांगती है उससे, अपने पापा से। राकेश अंबिकाम लालयती चॉकलेहम प्रदाय ताम क्रोड़ात अवतारयती, तो उसको चॉकलेट दे देता है, उसको प्यार करता है, चॉकलेट दे देता है और फिर उसको उतार देता है क्रोध से, पुनः गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि में क्षिपति, और फिर माला की तरफ देखता है कि भाई क्या बताया नहीं, मेरे आंसर नहीं दिया। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, फिर शालिनी बोलती है, शालिनी भ्राता है, अरे भैया त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तुमको क्या जानना है। तस्या कुक्षी पुत्रस्ति पुत्री वा, कि उसके उसको बच्चा होने वाला है या बच्ची, ये किमर्थम, ऐसा क्यों। क्षण मासांतरम सर्वे स्पष्टम भविष्यति, कुछ समय रुक जाओ सब पता चल जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, जब वो बच्चा पैदा होगा, जब बच्चा बॉर्न होगा उस समय तुमको सब पता चल जाएगा, तुम पहले से ही क्यों पता लगाना चाह रहे हो। राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, तो तुम तो जानती हो हमारे घर में पहले से ही एक छोटी सी गुड़िया है और अब हमको एक बच्चे की जरूरत है। तो शालिनी बोलती है, तर्हि कुक्षी पुत्रिमस्ति चेत हंतव्या तीव्र स्वरेण, तो क्या उस क्या है, अगर अपने को नए अब भी एक बच्ची होने वाली हो तो क्या हम उसको मार देंगे। हत्यायः पापम वा का ए पापम कर्तुम प्रवर्तो असि त्वम, हत्या का पाप करने के लिए आप प्रवृत्त हुए हैं राकेश, न हत्या तू न, नहीं हत्या नहीं शालिनी, तरि किमस्ति निग्रहणम कृत्यमिदम, तो फिर क्यों ये निग्रहण कृत्य किया आपने। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनक है कदा पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, तो हमारे माता पिता ने कभी भी जो है पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म आत्मा वै जायते पुत्र है पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा के समान पुत्र और पुत्रियां होते हैं तो इसलिए इनको जो है त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, तुम भी तो शाम सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्यः शक्त्या तिरस्काराम करोषि, तो क्यों फिर इस सृष्टि की उत्पादक शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्तिः आगतः इदं चिन्तयित्येव अहं कुंठिता अस्मि तव शिक्षाव्रता, और तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ कैसे गए, तुम्हारा सारा पढ़ना लिखना बेकार हो गया। ये भाई को डांट रही है बहन। तो राकेश, भगिनी विरम विरम, अरे रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमी, मैं अपने अपराध को मानता हूँ। ये देखो भाई बहन, इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है ना। तो लज्जितश्चास्मी, और मुझको बहुत ही दुख है, मेरे को शर्म आ रही है। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, मैं इस काम को सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति,
कि जैसे अंबिका मेरे संपूर्ण स्नेह का अधिकारिणी है, मेरी जो बड़ी वाली बच्ची 3 साल वाली, तथा वो आगंता शिशु अपी स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा। कि जैसे अंबिका को हम प्यार करते हैं, वैसे जो भी बच्चा जन्म लेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको भी हम वैसे ही प्यार करेंगे। एम स्वगर्हित चिंतन प्रति पश्चातापमग्न अस्मि, और मैं अपने गर्हित चिंतन के प्रति पश्चातापमग्न हूँ। एम कथम विस्मृतवान, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रियः। कि मैं ये बात कैसे भूल गया कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ पर देवता भी निवास करते हैं, और जहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर जो भी काम होते हैं वो सब असफल हो जाते हैं। अथवा पितुर्दशा गुणा मातेति त्वाम, और ऐसा भी कहते हैं कि पिता से 10 गुना अधिक गुण होते हैं माता में। तो या सन्मार्गम प्रदर्शितम भगिनी, तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरु रसी, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो गई। शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी कहती है कि ठीक है, अब तुम पश्चाताप मत करो। तव मनस है अंधकार है अपगत है प्रसन्नताया विषय अस्ति, कि तुम्हारे मन का अंधकार चला गया, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। भारत जाए आगच्छ, भाभी आओ। सर्वा चिंताम त्यज आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, ठीक है ना, कि सभी चिंताओं को त्याग कर के शिशु के स्वागत की तैयारियां करो। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्त चित्तः स्थास्यसि पुत्री पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय इतिहास सर्व इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपं करिष्यामः। कि हमको बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है, ये सरकार ने हमको ये नारा दिया है, तो हमको इसको सबको मानना चाहिए। या गार्गी शुद्ध चिंतने नृप नए पांचालिका विक्रमे, जैसे गार्गी ने वेदों का अध्ययन किया, गार्गी एक स्त्री का नाम है ना, और पांचालिका ने नृप नए यानी कि राजनीति में बहुत अच्छा नाम कमाया पांचाली ने। लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानंगणे कल्पना, और लक्ष्मी जो है उन्होंने शत्रु के विदारण में, और कल्पना चावला ने विज्ञान में गगन यानी आकाश विज्ञान में। इंद्रोद्योग पथे च खेल जगती ख्याताभिनम साइना, और इंद्रा जो है उद्योग जगत में, इंद्रा नुई नाम की एक महिला है, उसने उद्योग जगत में, और खेल जगत में साइना नाम की एक महिला ने। सेयम स्त्री सकलासु दीक्षु सबला सर्वे सदोत्साहियम ताम, तो वैसे ही स्त्रियां चाहे तो किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकती हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख के समझ लें, और इसके क्वेश्चंस पर कल हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू बेटा।